हेलो टेनिस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग सर्विसेज। भारतीय डाक विभाग पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग सर्विस भी उपलब्ध करवाता है। आओ जाने दोनों में अंतर क्या है। भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठान या जो लोग अपना पता गुप्त रखना चाहते हैं वो लोग भी इस सेवा को प्राप्त करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, उनका ऑफिस या जो कंपनीज होती है शहर से काफ़ी दूर होती हैं, वो डाक विभाग का बंदा बार बार उस डाक विभाग में या डाक डिलीवर करने में नहीं जा सकता। तो इसलिए बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, मील हैं, वो एक पोस्ट बॉक्स किराए पर ले लेती है। उसको एक नंबर अलॉटमेंट कर दिया जाता है। एक चाबी पोस्ट ऑफिस के पास होती है और एक चाबी जो कंपनीज या फैक्ट्रीज लेते हैं उनके पास होती है। वो पोस्ट ऑफ बॉक्स के अंदर पोस्ट ऑफिस विभाग उस कंपनी की जितनी भी चिट्ठी पत्री जो भी आती है उस पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं और फिर उस कंपनीज का प्रतिनिधि आता है, अपने बॉक्स की चाबी लगाता है और वहाँ से सारे डाके निकाल करके वो लेकर चला जाता है, ताकि उसको पोस्टमैन का इंतज़ार न करना पड़े कि कब पोस्टमैन हमारी डाक लेकर के कंपनीज में पहुँचेगा। ये सेवाएं भारत ये डाक विभाग प्रोवाइड करवाता है। काफ़ी सर्विसेज का लाभ, इस तरह की सर्विसेज का लाभ भारत के प्रतिष्ठान, बड़े बड़े प्रतिष्ठान उठा रहे हैं। मेट्रो सिटीज़ में या अन्य सिटीज़ में काफ़ी जो बॉक्स बने होते हैं उनके अंदर बॉक्स नंबर वगैरह लिखे होते हैं। कभी आप पोस्ट ऑफिस में गए हो तो आपके अंदर कभी आपने देखा होगा कि बॉक्स नंबर 100 बॉक्स नंबर 100 लिखा होता है। वो सभी बॉक्स किसी न किसी कंपनी को अलॉटमेंट किए होते हैं। ये था पोस्ट बॉक्स का मतलब। अब मैं आपको बताता हूँ पोस्ट बैग। पोस्ट बैग क्या होता है? ये भी वही सर्विस है। दरअसल की इसकी चाबी ऑफिस कार्यालय के प्रबंधक के पास होती है और एक चाबी होती है डाक विभाग के पास। उस कंपनीज की जब कोई चिट्ठी या पत्री जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आते हैं तो उस पोस्ट बैग में रख देते हैं और उस कंपनी का प्रतिनिधि उस बैग को लेकर के चला जाता है और उस कंपनी का प्रबंधक जिसके पास उसकी चाबी है उस बॉक्स को या उस बैग को, सॉरी बॉक्स नहीं, बैग को खोलता है और उससे सारे डाके निकाल लेता है। ये शेड्यूल दिन प्रतिदिन चलता रहता है। ये थी हमारी पोस्ट बॉक्स एवं पोस्ट बैग सर्विस, जो भारत सरकार के डाक विभाग इसको अच्छे से चलाए हुए हैं और इसका भारत सरकार के लाभ भी उठाने में काफ़ी योगदान, देश के प्रतिष्ठान, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इसका लाभ उठा रही हैं। आशा है आपने पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बारे में अच्छे से सुन लिया और अपनी साफ कॉपी में इसको उतारने का कष्ट करें ताकि भविष्य में आपको ये सर्विस काम आए। वैसे भी आप आगे जब जाओगे तो आपको इन सर्विसेज की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, गुड बाय।